दोस्तों, हमारा आगरा का सफर जारी है और हम ये आपको थोड़ा सा आगरा का नज़ारा दिखाएंगे। उसके बाद आपको ले चलेंगे यहाँ की सबसे बेस्ट बिरयानी खिलाने। देखिए, ये एक गुरुद्वारा आ गया है जो है गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल आगरा में, और बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा है ये। हम यहाँ से बाइक से जा रहे थे तो हमने कहा थोड़ा इसे कैप्चर कर लें। और अब हम आपको आगरा की थोड़ी सड़कें घुमाएंगे, फिर जो आगरा में सबसे मशहूर है ताजमहल, वहाँ भी ले चलेंगे आपको, थोड़ा सा उसका भी एक ग्लिम्स दिखाएंगे। उसके बाद ले चलेंगे आपको वाहिद बिरयानी, जो आगरा में बड़ी फेमस है। करीब 70 ईयर्स से है उनकी शॉप, पुश्तैनी शॉप है, और उनकी सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन चला रही है उस शॉप को। ये देखिए, ये है ईस्ट गेट ताजमहल का। 4 गेट हैं यहाँ पे, हमें इसी गेट से एंट्री करनी थी, बट हम पहले होटल जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आएंगे। और ये देखिए, हम आ गए हैं अंदर ताजमहल के। ताजमहल के अंदर नहीं, ये एंट्री का, एंट्री से पहले वाला गेट होता है, तो हमने ऑनलाइन ही टिकट बुक कर ली थी। ये देखिए, ताजमहल की हिस्ट्री दिखा रहे हैं ये। करीब 400 साल हो गए हैं इसको बने हुए, तो बहुत चीज़ें इस इमारत ने झेली हैं, और बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोग, जो भी इंडिया में आता है बाहर का, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, क्वीन हो, प्रिंसेस हो, वो एक बार तो ताजमहल आते ही हैं। ये देखिए, ये है ईस्ट गेट ताजमहल का। यहाँ से हमने एंट्री की थी, और चारों तरफ से ताजमहल की एंट्री है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और चारों तरफ से एक ही तरीके से है, आपको पता नहीं चलेगा, सब फ्रंट ही लगेगा आपको, मतलब उसके गेट फ्रंट लगेंगे। और ये देखिए, सारी पब्लिक उस तरफ थी, यहाँ पे पूरा खाली पड़ा हुआ था। हमने कहा एक आपको अच्छी सी ताजमहल की झलक दिखा दें, बहुत ही खूबसूरत, तभी ये दुनिया के 7 अजूबों में आता है। आप जब भी आएंगे तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। और ये, लेकिन यहाँ पे कोशिश करें कि सितंबर से लेके फरवरी तक आएँ, क्योंकि उसके बाद, जब मार्च तक भी आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद गर्मी बढ़ जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अंदर शूज़ पहन के जाना अलाउड नहीं है, या शूज़ पे आपको एक पॉली बैग सा दे देंगे बांधने के लिए। इन गर्मी में फिर बहुत ज़्यादा हीट करता है, क्योंकि मार्बल से बना हुआ है। तो ये हम आ गए हैं चाट गली, जो आगरा में बड़ी मशहूर है, और यहाँ पे आपको बहुत टूरिस्ट दिख जाएंगे, जो जो भी बाहर से आते हैं, और बहुत सारे अपने इंडियन भाई बहन भी दिख जाएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे जैसा कि नाम है इस गली का, चाट गली, तो यहाँ पे खूब चटर पटर खाना मिलता है, वो भी इंडियन ट्विस्ट के साथ। देखिए, पास्ता है और बहुत ही अलग अलग टेस्ट वाले चीज़ें मिलती हैं आपको यहाँ पे, कुल्फियाँ मिल जाएंगी, देखिए बहुत चीज़ें हैं, डोसा मिल जाएगा, मतलब आप इस गली में घुस जाओ और आपको अगर बहुत फूडी हो तो आपको लगभग, मतलब अच्छा खासा टाइम पास आपका हो जाएगा खाते पीते, और एक दिन में तो आप इतना सारा ट्राई भी नहीं कर सकते, तो आपको बहुत बार या कई बार आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। ये देखिए, टुक टुक चाप, हमने कहा एक बार आपको दिखा दें, क्योंकि लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। देखिए, क्वालिटी पराठा, द मास्टर शेफ रेस्टोरेंट, बहुत चीज़ें हैं इसमें, लखनऊ जायका, वेज कबाब, तो वेज नॉन वेजिटेरियन सबके लिए है यहाँ पे, बड़ा इंजॉय करेंगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। चलिए, अब हम आपको अपनी जो मेन जगह है जहाँ पे हम बिरयानी खाने वाले थे, वहाँ ले चलते हैं। देखिए, और ये पड़ता है आगरा के सदर मार्केट में, वाहिद बिरयानी, देखिए 70 सालों से ब्रांडेड नेम है ये, द रियल टेस्ट ऑफ मुगलई कुजीन। और बिरयानी के अलावा भी यहाँ बहुत चीज़ें मिलती हैं, तो आप, बहुत बड़ा मेन्यू है इनका, अभी हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, शामी कबाब और गुलौटी कबाब है, देखिए टिक्के, अफगानी तंदूरी चिकन, अफगानी चिकन, सब कुछ है, और बड़ा अच्छा स्टाफ है, बड़ा ही वेलकमिंग है, आपको अच्छे से वेलकम करेगा, और कम्प्लीटली एयर कंडीशन है, बैठने की काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आके इन्जॉय कर सकते हैं, छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पे, और ये शादी पार्टियों के लिए भी ऑर्डर लेते हैं, और वो भी बुक कर सकते हैं। ये देखिए, कितना कोर्स है यहाँ पे, स्वीट्स भी मिल जाएंगे, रोल्स भी मिल जाएगा, मेन कोर्स भी मिल जाएगा, ज़बरदस्त ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक,
ये देखिए कम्प्लीटली एयर कंडीशन है, बड़ा ही साफ सुथरा है, बहुत ही हाइजीनिक वे में काम कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग। तो हमने ऑर्डर कर दी थी अपनी स्पेशल चिकन बिरयानी, क्योंकि बस अभी आने ही वाली है, एकदम फ्रेश खिलाते हैं आपको। देखिए कम्प्लीटली एयर कंडीशन, ये है इनका सर्टिफिकेट था जो अभी पीछे हम दिखा रहे थे आपको। ये आ गई हमारी बिरयानी, ये देखिए हमारा आ गया सैलड, ये आ गया रायता। अगर आप इनसे थोड़ी सी करी अलग से मांगोगे तो वो भी आपको ये प्रोवाइड करा देंगे। देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है ये, और बहुत अच्छे पीसेस थे, बड़े सॉफ्ट था। अभी हम आपको ट्राई करके बताते हैं इसको। और इसका प्राइस था 140 रुपीज़ की थी ये हाफ प्लेट। ये देखिए ये लेग पीस, बढ़िया और बहुत ही टेंडर था, खाने में बड़ा मज़ा आ गया था। ये देखिए देखिए पीस ज़रा सा चम्मच से उठाया तो टूट गया, मतलब इसका मतलब है कि अच्छे से ये पका है। अभी मैं ट्राई करने जा रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए कितने आराम से है। ये थोड़ी सी प्याज लगा ली कि थोड़ा और टेस्ट अच्छा हो जाए। ये देखिए कैसे, देखिए सिर्फ चम्मच से, कोई आपको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, आराम से पीस टूट जाएगा। और ये देखिए अपन ट्राई करते हैं इसको, वाहिद बिरयानी को। और आगरा बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से आपका वेलकम करते हैं, खाना बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली तो, और टेस्ट बहुत अच्छा है, आपको मज़ा आएगा यहाँ खाने में। अभी हमने आपको चाट के लिए दिखाई, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस थे। तो आप कभी भी आएँ आगरा सदर बाज़ार तो वाहिद बिरयानी ट्राई करें और इन्जॉय करें अपने दोस्तों यारों के साथ, मज़ा आ जाएगा आपको। और ऐसे ही अच्छे अच्छे फूड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल आए खूब का इंडिया को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।